अभी हम बोधगया से देहरा चलेंगे, जो कि एक दिरहम लेता है, एक दिरहम में एक फेरी है जो इधर से उधर लेके जाता है। अभी हम बोट में ही है जो कि एक दिरहम चार्ज करता है। अभी हम लोग देहरा के तरफ जा रहे हैं, जो कि ये जर्नी है हार्डली 2 से 3 मिनट का ही, मैक्सिमम 5 मिनट का जर्नी है, तो ये बहुत ही एंजॉयबल है। अगर आप दुबई आओ तो इसे एंजॉय करना मत भूलना, जो कि एक दिरहम ही चार्ज करता है इधर से, देहरा से बोध गया से। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, जस्ट रोड से उतरे हैं, अभी हम देहरा दुबई की तरफ जा रहे हैं। देहरा जो कि बहुत ही पुराना मार्केट है दुबई का, यहाँ हम लोग आज देखेंगे गोल्ड शुक वगैरह और बहुत सारा होलसेल मार्केट वगैरह भी यहाँ है, जो कि पहले दुबई का बिजनेस का मेन सेंटर यही था, अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। देहरा का अंदर मेट्रो स्टेशन आता है दो, एक है बनियस स्क्वायर जो कि इस तरफ से आता है, बनियस स्क्वायर। मैं पहले जब आया था तो बनियस में ही रुका था, वहाँ होटल वगैरह भी बहुत सारा है। और आगे इधर से जाके आपको मिलेगा गोल्ड शुक, गोल्ड शुक जो कि गोल्ड मार्केट का उधर ही है, वो भी बहुत ही मतलब पुराना मार्केट है। वहाँ आपको मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा, गोल्ड सुक मेट्रो स्टेशन, और एक मेट्रो स्टेशन है यूनियन करके, वो और दूर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ एक दुकान से मैंने एक कैब ले लिया, क्या लग रहा है फ्रेंड्स? अभी ये देहरा में अभी मार्केट में ही है, कैब परचेस कर लिए। अभी हम यहाँ पर ही है, यहाँ पर मेनली मोबाइल वगैरह, अगर आप लेना चाहें मोबाइल लैपटॉप्स, जैसे कल हम लोग मीना बाजार में गए थे, एज लाइक सेम है यहाँ भी, बहुत सारा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो बार्गेनिंग का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो गारमेंट का शॉप वगैरह है, ये सब रिटेल आउटलेट है। इसका इनसाइड में हम लोग जाएंगे, वो सब मतलब होलसेल का है आज। तो पहले मैं जब दुबई आया था तब यहाँ बंदी वगैरह जो होता था सब होता था फ्राइडे को, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये लोग संडे में कन्वर्ट किया, संडे को ही तो कुछ बंद नजर आ रहा है यहाँ। यहाँ पे मैक्सिमम सब इत्र और परफ्यूम का दुकान है, परफ्यूम शॉप, ये मुश्किल बाजार, लेकिन
संडे है, हम ये लोग चेंज किया है संडे को पूरा मंथ। आपको लगभग यहाँ सभी दुकान बंद ही मिलेंगे। मैंने आज डे गलत चूज कर लिया। चलिए फिर अगर टाइम मिलेगा तो और एक बार यहाँ आएंगे। ये ज़्यादा दूर नहीं है मेरा होटल से। यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और गारमेंट सिर्फ बाइंग ऑप्शन है या सेल भी कर सकते हैं जो कि होलसेल में है। यहाँ पूरा पैक मार्केट रहता है पूरा। यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग का इंडियन ही गारमेंट्स बिकते हैं। चलिए आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। इधर का दुकान ये आगे जाके लेफ्ट में गारमेंट मार्केट है, तभी इसका अंदर जाना बेकार है, सब बंद ही है। फ्रेंड्स अगर आपको इत्र या परफ्यूम लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, जो कि आपका देरा दुबई का मुर्शिद बाजार एरिया है। यहाँ पे आपको मेनली इतर का ही काम है। यहाँ होलसेल रिटेल हर तरीके का यहाँ मिलता है, तो अगर आप इतर लेना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम गोल्ड शुक का गेट नंबर 1 में खड़े हैं, तो ये हमारे पीछे ही है। इसका अंदर जो कि दुबई का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। अभी हम गोल्ड शुक के भीतर ही हैं। यहाँ आप एक एक ज्वेलरी देखेंगे जो कि डिस्प्ले में लगा हुआ है, जो कि इतना बड़ा बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा भी सोने का ज्वेलरी होता है। और यहाँ बिकता भी होगा तभी आदमी बनाता है। अभी हर दुकान का सामने लगभग डिस्प्ले में वही है, तो अभी आपको और दिखाते हैं। चलिए देखिए, एंट्री का राइट साइड में आपको मिलेगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिंग, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, जो कि जिसमें स्टोन लगा है 5.17 केजी का और 58.6 केजी जिसका वेट 21 कैरेट से बना हुआ है, जो कि
दुनिया का सबसे बड़ा रिंग है ये, गोलचुक का गेट नंबर 1 का आपको राइट साइड में मिल जाएगा। फ्रेंड अभी हम हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिंग है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। आप नीचे हम आपको दिखाएंगे जो कि आप डिटेल वगैरह देख सकते हैं जो कि 5.17 किलोग्राम का है जो कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। आप चेन वगैरह का डिज़ाइन देखो जो कि ये 18 कैरेट गोल्ड का सब बना हुआ है। अपना इंडिया में 18 कैरेट गोल्ड या कम ही चलते हैं, अपने उधर तो ज़्यादा 22 कैरेट गोल्ड ही चलता है। यहाँ पे आपको कॉपी घड़ी परफ्यूम्स वगैरह बेचने वाले बहुत मिलेंगे, तो अगर इसे आप फेस करते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बार्गेनिंग करना बहुत भूल होगा, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। और आपको जो भी मिलेंगे वो सब हम लोग का इंडियन का ही, इंडियन ओरिजिन का ही है, इंडियन रहेगा या तो बांग्लादेशी। आपका पूरा मार्केट जो है ज्वेलरी मार्केट। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप इधर से जिधर भी जाओगे ना आपको गोल्ड का ही शॉप मिलेंगे। ये आगे जाके आपको मिलेगा गोल्ड चौक मेट्रो स्टेशन, और इधर पे गोल्ड का ही मार्केट वगैरह है। दोस्तों अपना गोल्ड चौक का सफ़र यहीं तक का था, तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी तक के लिए तो इतना ही, फिर अभी हम दुबई में बने हुए हैं, अभी दूसरे जगह जाएंगे उसका फिर वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक के लिए गोल्ड चौक से बाय बाय।